चलिए डीएफए पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन को मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा था गेट 2018 में 2 मार्क्स में। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन अ लैंग्वेज एल, डिफाइन एल की पावर आई एज फॉलोज। देन एल की पावर 0 इज एप्सिलॉन, एल की पावर आई इज एल की पावर आई माइनस 1 डॉट एल फॉर ऑल आई ग्रेटर देन 0। ओके, उसके बाद द ऑर्डर ऑफ ए लैंग्वेज एल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट के सच दैट एल की पावर के इक्वल टू एल की पावर के प्लस 1। इस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ ए लैंग्वेज गिवन है, ठीक है, यहां पर ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं और ऑर्डर यहां पर डिफाइंड भी है, साथ ही साथ डिफाइन ऐसा है द स्मॉलेस्ट के सच दैट एल की पावर के इक्वल टू एल की पावर के प्लस 1। ओके, तो इसका जनरल अगर मीनिंग की हम बात करें तो इसका जनरल मीनिंग क्या है, हम यहां पर लैंग्वेज को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, हम कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, एक लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज के साथ हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। कब तक? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यहां पर आप देख लीजिए, अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं एल की पावर 1, तो ये क्या आ जाएगा एल। अगर हम बात करें एल की पावर 2 मीन्स एल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा एल डॉट एल। एल की पावर 3 को हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर डॉट एल, जिसको हम लिख सकते हैं एल डॉट एल डॉट एल। ओके, उसके बाद एल की पावर 4 ये आ जाएगा एल क्यूब डॉट एल, जिसको हम लिख सकते हैं एल डॉट एल डॉट एल डॉट एल। लेकिन ये कब तक लिखेंगे, हमें एक सर्टेन इंस्टांस मिल जाए जहां पर हमारे पास कुछ ऐसा टर्म आए, जैसे कि हम यहां पर लिख रहे हैं एल क्यूब, हम एक लैंग्वेज को कॉन्कैटिनेट किए 3 टाइम्स वो आ गया एल क्यूब, और एक लैंग्वेज को हमने और कॉन्कैटिनेट किया 4 टाइम्स वो आ गया एल 4। अब ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे इजी बोल सकते हैं कि अगर ये इक्वल हो गया है तो मैं इजी वे में बोल सकता हूं कि एल की पावर के इक्वल टू एल की पावर के प्लस 1, सच दैट जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास के की आएगी वो आ जाएगी के इक्वल टू 3। वही यहां पे गिवन है, आप देखिए l इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट k सच दैट l की पावर k इक्वल टू l की पावर k प्लस 1। एक लैंग्वेज को हम उसी के साथ कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, ठीक है, और कब तक करेंगे, जब तक हम दूसरी लैंग्वेज को भी हम चूज कर लें और दोनों को इक्वल करने के बाद हमें फाइनल मिल जाए कि हमारे पास जो k की वैल्यू है मिनिमम से मिनिमम है। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां पे हमें आ गया k इक्वल टू 3। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्कैटिनेशन। तो उसके बाद कंसीडर द लैंग्वेज l1 ओवर अल्फाबेट 0 एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग ऑटोमेटन। यहां पर मेरे पास एक डीएफए ड्रॉ है, इस क्वेश्चन में मुझे लैंग्वेज नहीं दिया है, डीएफए दिया है। इस डीएफए से हम लैंग्वेज को जनरेट करेंगे और उसके बाद द ऑर्डर ऑफ L1 इज, यहां पे डीएफए गिवन है, इस डीएफए से हम लैंग्वेज जनरेट कर लेंगे और फाइनल हम यहां से इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको मिटा देता हूं यहां से। तो जो मेरे पास एक डीएफए गिवन है, अगर हम इसका लैंग्वेज निकालें, इसका लैंग्वेज किस तरह से निकलेगा, अगर हम बात कर लें, सपोज दिस इज L1 लैंग्वेज, और आप देखिए यहां पर स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या एक्सेप्ट हो जाएगा एप्सिलॉन, देन फर्स्ट 0 ये भी एक्सेप्ट हो रहा है फर्स्ट 0, उसके बाद 1 2 3 3 0 भी एक्सेप्ट हो रहा है, उसके बाद 1 2 3 4 5 5 0 भी यहां पे एक्सेप्ट हो रहे हैं और ये स्ट्रिंग्स हमारी चलती जाएगी। तो ये हमारा निकल गया लैंग्वेज, ठीक है। अब इसी लैंग्वेज को हम इसी के साथ क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट कर देंगे। तो चलिए मैं इसको कॉन्कैटिनेट करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं L1 स्क्वायर, ठीक है। अगर हम L1 स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज एप्सिलॉन, देन फर्स्ट 0 ट्रिपल 0, उसके बाद 1 2 3 4 5, ओके डॉट, इसको हम फिर से लिख देंगे एक बार, 0 0 0 0 1 2 3 4 5, और ये स्ट्रिंग्स हमारी चलती जाएगी। ओके, मैं इसको भी यहां से मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये मैंने लैंग्वेज यहां से निकाल लिया था इस डीएफए के थ्रू, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कॉन्कैटिनेट कर रहा हूं, तो जब हम इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन डॉट 0 इज 0, एप्सिलॉन डॉट 3 टाइम्स 0 इज 3 टाइम्स 0, एप्सिलॉन डॉट 5 टाइम्स 0 इज 5 टाइम्स 0, ओके। उसके बाद 0 डॉट एप्सिलॉन इज 0, जो कि मेरा यहां पे आ चुका है, 0 डॉट 0 इज 00, उसके बाद 0 डॉट 000 इज 4 टाइम्स 0, देन 0 डॉट 5 टाइम्स 0 इज 6 टाइम्स 0, और ये स्ट्रिंग हमारी चलती जाएंगी। ये हमने निकाल लिया L1 स्क्वायर। अब इसको निकालने के बाद आप देखिए यहां पर क्या आ रहा है, एप्सिलॉन 0 3 टाइम्स 0,
फाइव टाइम्स जीरो, ठीक है। उसके बाद आप देखिए टू टाइम्स जीरो, फोर टाइम्स जीरो, सिक्स टाइम्स जीरो। मीन्स अगर आप ध्यान से इसको देखिए तो फर्स्ट में क्या आ रहा है एप्साइलन, देन फर्स्ट जीरो, उसके बाद टू टाइम्स जीरो, दो बार जीरो आ रहे हैं, फिर तीन बार जीरो आ रहे हैं, चार बार जीरो आ रहे हैं, पांच बार जीरो आ रहे हैं और छह बार जीरो आ रहे हैं। मीन्स अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द फॉर्म ऑफ जीरो स्टार। ओके, तो ये मेरा आ गया एलेवन स्क्वायर। अब इसी के थ्रू हम निकाल लेते हैं एल वन क्यूब, ठीक है। एल वन क्यूब अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एल वन स्क्वायर डॉट एल, और एल वन स्क्वायर मेरा ये आ गया। ओके, तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा एप्सिलॉन फर्स्ट जीरो, सेकंड जीरो, थर्ड जीरो, देन फोर टाइम्स जीरो, स्ट्रिंग हमारी चलती गई। उसके बाद डॉट एल की बात करें तो एल क्या आ जाएगा, जो मेरा लैंग्वेज ये आया था ये मेरा एल हो जाएगा। तो यहां से आप जीरो ट्रिपल जीरो फाइव टाइम जीरो और ये स्ट्रिंग हमारी जल्दी जाएगी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन डॉट जीरो इज जीरो, एप्सिलॉन डॉट थ्री टाइम्स जीरो इज थ्री टाइम्स जीरो, एप्सिलॉन डॉट फाइव टाइम्स जीरो इज फाइव टाइम्स जीरो। ओके, और ये स्ट्रिंग हमारी चलती गई। देन जीरो डॉट एप्सिलॉन इज जीरो, जीरो डॉट जीरो इज टू टाइम्स जीरो, जीरो डॉट थ्री जीरो इज फोर टाइम्स जीरो, जीरो डॉट दिस जीरो इज सिक्स टाइम्स जीरो, और ये स्ट्रिंग हमारी चलती जाएगी। यहां पर मेरा क्या आ रहा है एप्सिलॉन, देन फर्स्ट जीरो, टू टाइम्स जीरो, थ्री टाइम्स जीरो, फोर टाइम्स जीरो, फाइव टाइम्स जीरो, सिक्स टाइम्स जीरो। मतलब इसको हम बोल सकते हैं दैट इज द फॉर्म ऑफ जीरो स्टार। ओके, तो ये जो मेरा आंसर आ रहा है ये किसके इक्वल आ रहा है, इसी के इक्वल आ रहा है। तो आप यहां पे देखिए एलेवन स्क्वायर की जो वैल्यू है वही हमारी वैल्यू आ रही है एलेवन क्यूब के बराबर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं दैट गिव्स एलेवन स्क्वायर दैट इक्वल टू एलेवन क्यूब। ओके, और ये मेरा क्या आ जाएगा एल की पावर के इक्वल टू एल की पावर के प्लस वन, इसके इक्वल आ गया। तो यहां से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली, मिनिमम से मिनिमम क्या हो जाएगा टू, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा मेरा द ऑर्डर इज ऑर्डर ऑफ एल वन दैट इज इक्वल टू टू, क्योंकि यहां पे आप देखिए एल वन क्यूब भी सेम है एल वन स्क्वायर भी सेम है। तो ये मेरा इसके फॉर्म में आ गया, इस ऑर्डर के फॉर्म में आ गया। ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज क्या कह रहा था एल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट के सच दैट एल की पावर के इक्वल टू एल की पावर के प्लस वन, इससे स्मॉलेस्ट तो कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए टू में हमने जो निकाला वो वैल्यू यहां पे आ गई, थ्री के फॉर्म में जो हम निकाल रहे हैं वो वैल्यू हमारी यहां पे आ गई। तो मिनिमम मिनिमम क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज इज टू, वो मेरा इसके फॉर्म में आ गया एल की पावर के इक्वल टू एल की पावर के प्लस वन, सो द ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज एल वन इज टू। तो यहां पर पूछा था तो ऑर्डर ऑफ एल वन इज करेक्ट आंसर इज टू। ओके, और ये क्वेश्चन पूछा था टू मार्क्स में। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने कॉन्केटिनेशन टर्म का यूज किया, मीन्स एक लैंग्वेज को उसी के साथ हमें कॉन्केटिनेट करना है। कब तक करना है, जब तक हम उसके इक्वल ना आ जाए और वहां पर जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू इसके इक्वल ना आ जाए। एल की पावर के इक्वल टू एल की पावर के प्लस वन, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया यहाँ पर एल वन स्क्वायर के बराबर जो हमारी वैल्यू आ रही एल वन क्यूब, तो इससे आगे जाने की हमें जरूरत नहीं थी, हमें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिल गई दैट इज टू, वो मेरा क्या हो गया ऑर्डर। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डीएफएस रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू।